जहां पीएम मोदी कैबिनेट ने एक अहम फैसले को मंजूरी दी है जिससे सीधे तौर पर लाखों छात्रों को फायदा होने वाला है। बड़ी जानकारी यह है कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 3600 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है और अब हायर एजुकेशन के लोन पर गारंटी मिलेगी। एजुकेशन लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलने वाली है और 22 लाख छात्रों को इसका फायदा भी मिलेगा। देखिए, विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है। इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का लोन उनके लिए भी रखा गया है। तो बड़ी जानकारी यह है कि अब पीएम विद्या लक्ष्मी योजना एक सौगात बनकर आई है हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट रखने वाले छात्रों के लिए, विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए। देखिए, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 3600 करोड़ की योजना को यह मंजूरी दी गई है और हायर एजुकेशन के लोन पर अब 75% क्रेडिट गारंटी मिलने वाली है। सीधे सीधे तौर पर 22 लाख छात्रों को इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। मोदी कैबिनेट ने 3600 करोड़ की पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है और इसके तहत हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख तक के लोन पर केंद्र सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और स्कीम से देश के 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स में पढ़ने वाले 22 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होगा। विदेश में पढ़ाई के लिए 15 लाख तक का लोन मिलने वाला है। दो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, आपको योजना भी बताते हैं और इस योजना का असर भी दिखाते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना क्या है, विस्तार से आपको समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे, किस तरीके से लाभ मिल सकता है, किन किन को लाभ मिल सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मोदी कैबिनेट की सौगात इसे कहा जा सकता है छात्रों को और 22 लाख छात्रों को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान भी सामने आया। पहले आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री ने। देखिए, बहुत बड़ा आज फैसला लिया गया है हमारी मिडिल क्लासेस के लिए और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने। नई स्कीम अप्रूव हुई है, फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला हो, वो वंचित न रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो देखिए, वित्तीय कमी अगर है, वित्तीय अक्षमता है, तो पढ़ाई में रुकावट ना आए, कुल मिलाकर यही मकसद है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का। आपने सुना केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा, लेकिन आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर पीएम विद्या लक्ष्मी योजना क्या है। देखिए, 10 लाख तक के लोन पर अब ब्याज में 3% तक की छूट दी जाएगी इस योजना के तहत। इस योजना के तहत क्या कुछ खास बातें हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख तक का लोन दिया जाएगा और एजुकेशन लोन पर 75% क्रेडिट की गारंटी भी इस योजना के तहत दी जा रही है, जो कि बड़ी बात है। और देखिए, विदेश में पढ़ने वालों के लिए भी अच्छी खबर यह है कि अब विदेश में पढ़ाई के लिए 15 लाख का लोन भी स्वीकृत कर लिया जाएगा। विद्या लक्ष्मी योजना इसके तहत क्या कुछ खास बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। और देखिए, खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से लाइव जुड़े हैं। राकेश, मोदी कैबिनेट की तरफ से शिक्षा जगत के लिए एक और पहल, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना क्या है, ये तो हम भी दर्शकों को समझा ही रहे हैं, लेकिन आप भी बताइए कि कैसे ये योजना फायदा करती हुई नजर आ रही है और छात्रों का क्या कहना है इस पर। देखिए अंजलि, लगातार देशवासी इस बात से खुश हैं कि पीएम मोदी की ओर से एक के बाद एक सौगात दी जा रही है जी। अब पीएम मोदी ने एक बार छात्रों को सौगात दी है जो कि गरीब हैं लेकिन पढ़ने की चाहत रखते हैं, जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए पीएम मोदी ने विद्या लक्ष्मी योजना मंजूरी दी है। और इस योजना के तहत जिनकी सालाना आय जिन परिवारों की 8 लाख से कम है, उन परिवार के बच्चे अब हायर स्टडी कर सकेंगे और इस पर जो है पीएम मोदी ने अब मुहर लगा दी है। अब देखिए, इस प्रस्ताव के जरिए 2-3 प्रावधान किए गए हैं। अगर आपके परिवार में 8 लाख से ज़्यादा सालाना आय है तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर देश के जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस हैं अगर उनमें आपका एडमिशन हो गया है तो उनमें आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो सारे स्टेट में अगर टॉप 200 में आपका सिलेक्शन होता है,
टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस जो हैं, तो उसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, लोन कैसे मिलेगा अगर ये सवाल आप जानना चाहते हैं, तो पीएम ने इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। बिल्कुल राकेश, देखिए आप बता रहे हैं कि किस तरीके से इस योजना के तहत फायदा पहुंचेगा, हम भी उस पर एक विस्तृत जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे, उसके बाद फिर से रुक करूंगी आपका। देखिए, जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख तक है, उससे ज्यादा है तो नहीं मिलेगा, लेकिन उतनी तक है अगर आपकी सालाना आय जिन छात्रों के परिवारों की, तो ये योजना आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। ऐसा ही मेरे सहयोगी राकेश चौधरी भी बता रहे थे। और देखिए, हर साल 1 लाख छात्रों को छूट मिलेगी और NERF रैंकिंग में शामिल इंस्टीट्यूट के छात्रों को ही फायदा मिलेगा, और NERF रैंकिंग में शामिल टॉप 807 इंस्टीट्यूट को लाभ मिलेगा जो किसी स्कॉलरशिप या स्कीम के लाभार्थी नहीं है, उन छात्रों को यह लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी राकेश बने हुए हैं। राकेश, हमने बताया कि किस तरीके से फायदा मिलेगा, किस किस को फायदा मिलेगा, लेकिन आप ये बताइए कि क्या इसके लिए कोई विशेष पोर्टल रखा जाएगा, किस तरीके से इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं? जी अंजलि, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसका डोमेन आ गया है www.pmvidyalakshmiyojana, इसका नाम होगा, इस पर आपको आवेदन करना होगा। लेकिन एक चीज और जाननी जरूरी है, अगर आप राज्य स्तर के किसी एजुकेशन लोन से अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं तो इस योजना का लाभ लेने में आपको कठिनाई हो सकती है। जैसे बिहार में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलता है, बंगाल का भी ऐसी ही योजना है, तो अगर आप इसके तहत लोन पहले ले चुके हैं तो हो सकता है कि केंद्रीय लोन लेने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन इसे और सुलभ बनाने के लिए पीएम मोदी ने, कैबिनेट ने इस पर फैसला किया है, पोर्टल के जरिए आप आसान तरीके से अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसे फीड कर सकते हैं, और फीड करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो कुछ और इसका फायदा इतना मिलेगा, गाइडलाइन जरूर तय की गई है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर लाखों छात्रों को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। और देखिए, हम बात कर रहे हैं पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की, आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इसका सत्र कब से है, बजट कितना रखा गया। देखिए, सत्र 2024-25 से लेकर 2030-31 तक 3600 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए रखा है, और लाभार्थियों की अगर मैं बात करूं तो कुल 22 लाख लाभार्थी होंगे। मैं बात कर रही थी कि 860 इंस्टीट्यूट जो है NERF रैंकिंग में शामिल किए जाएंगे, तो उसमें केंद्र सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि 22 लाख छात्र है, लेकिन इस योजना के तहत 7 लाख नए छात्रों को भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, तो लाखों में लाभार्थियों की संख्या पहुंच रही है। बड़ी स्कीम शिक्षा जगत से इसे कहा जा सकता है, केंद्र सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी।